लेके आया हूँ एम आई होम सिक्योरिटी कैमरे का अनबॉक्सिंग, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कैमरे को मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इस बॉक्स में है मेरे पास। ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया है, ये है हमारा बॉक्स, ये है हमारा कैमरे को क्या सॉकेट और ये है केबल। कैमरा जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, छट्टे नन्हे मुन्ने रोबोट की तरह है। इस कैमरे को आप अपने घर में लगा के बिल्कुल निश्चित होके अपने घर को छोड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। कैमरा जो है वो एम आई की प्रोडक्ट है, एम आई ने ये कैमरा बनाया है। पूरा 360 डिग्री ये कैमरा रोटेट होता है और आप इसको कहीं से भी आपके घर में लगा के इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नीचे मेमोरी कार्ड का सॉकेट दिया है, जिसमें आप 64 GB तक का मेमोरी कार्ड ऐड कर सकते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हैं वन और। तो ये है मेरे पास एक कैमरा और ये इसका चार्जर केबल, कनेक्टिंग केबल। ये है हमारा सॉकेट और इसका कुछ प्रोडक्ट है, इसके कुछ फीचर्स है। फीचर्स में तो बहुत बहुत सारे फीचर्स है। सबसे जो तीन मेन फीचर्स है वो ये है, HD हाई रिजोल्यूशन डेफिनेशन, HD डेफिनेशन वीडियो है, इंफ्राइड नाइट विजन है और टॉकिंग बैक का फीचर है इसमें। आप MI की प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अब आपको स्टार्ट करके और अपने मोबाइल में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस कैमरे को मैं आपको MI होम के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल में, और कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको मेरे कैमरे में। तो ये जो यहाँ पे सॉकेट दिया है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और जैसे ही ऐड करेंगे तो ये अभी देखिए कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ और इस साइड का जो केबल है उसको मैं अपने सॉकेट में ऐड कर दूँगा और फिर मैं भी इसको दे रहा हूँ पावर। तो अभी ये मेरा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है, देखिए यहाँ पे कैमरे में जो लाइट है वो चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरा जो है वो चालू हो चुका है, चालू हो रहा है। यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अभी देखिए 360 डिग्री घूमने लगा है ये कैमरा, देखिए अपने आप ही ये चालू हो रहा है, चालू हो चुका है। देखिए इसने अपने आप को पूरा रीसेट करके सेट किया है, पहली बार चालू हो रहा है कैमरा। तो ये कैमरा जो है अभी स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी इसका जो एप्लीकेशन है वो ऐड करके रखा है। ये जो एप्लीकेशन है वो आपको नेट से डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद जो डाउनलोड अभी हो रहा है मेरे MI के फ़ोन में, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है तो आप उसको ओपन करें और ओपन करने के बाद आपको आपका जो कैमरा है उस कैमरे के सामने आपकी जो MI की स्क्रीन है उसको आपको कनेक्ट करने के लिए ओके, अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। MI होम को मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ये मेरी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। मेरा इसमें MI में ऑलरेडी अकाउंट था तो मुझे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास MI का अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कोने में यहाँ पे QR स्कैनिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्टली आप QR स्कैन करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको QR स्कैन नहीं करना है
तो आप यहाँ से डायरेक्टली आपका जो नियर बाय कैमरा यहाँ पे होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे भी यहाँ पे होम सिक्योरिटी कैमरा जो भी आपका यहाँ नियर बाय कैमरा है वहाँ से आप इस कैमरे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो नीचे वाला बटन है यहाँ पे रीसेट का, वो बटन रीसेट करना है। और वेट अंटिल यू आर हियर अ वॉइस प्रमोशन, जैसे मैं अभी यहाँ से रीसेट करूँगा इसको, अभी मैं यहाँ से ये रीसेट कर रहा हूँ इस बटन को, ये मैंने यहाँ पे दबा के रखा, अब छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। अब ये रीसेट जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन में मैंने रीसेट कर दिया है और यहाँ पे अब मुझे वो पूछेगा। देखिए अब ये कैमरा जो है वो रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये कनेक्शन के लिए हमें बोल रहे हैं, वेटिंग फॉर कनेक्शन। ठीक है, अब ये ढूंढ रहा है कनेक्शन करने के लिए, वेटिंग कर रहा है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे देखा, अब न्यू डिवाइस फाउंड आ गया। अब यहाँ से मैंने अपना जो भी वाईफाई है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट देना है। यहाँ से भी QR कोड जो आ गया स्क्रीन में आपके मोबाइल के, उसको आपको कैमरे के सामने रख देना है ऐसे। अब ये जो कैमरा है इसको ये स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप इसको ये डिटेक्ट कर लेगा। ये वाईफाई मैंने कनेक्ट कर दिया। अब QR कोड अभी इसको स्कैन करेगा। तो इसने मेरा QR कोड जो है स्कैन सक्सेसफुली कर दिया है और अब आगे हम बढ़ सकते हैं। और ये ब्रिंग डिवाइस क्लोज टू राउटर, अब ये मेरा जो डिवाइस है वो कैमरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। डिवाइस जो है अब ऑनलाइन हो चुका है, यहाँ से डन करेंगे। और यहाँ से अब आप फोन स्क्रीनशॉट कर चेंज कर सकते हैं एंड यूज नाउ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे भी कैमरा जो है वो यूज होना चालू हो चुका है। तो ये जो अभी मेरा कैमरा हो AMI का वो अभी यूज हो रहा है। देखिए मैं यहाँ मोबाइल में से घुमा रहा हूँ तो ये 360 डिग्री कैमरा जो है मेरा मुंह होगा और पूरी जो मेरी एरिया है वो उसको स्कैन करेगा। आप ऊपर नीचे 1 360 डिग्री में इसको मूव कर सकते हैं और पूरी ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी एंगल में आप डायरेक्टली इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और इसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हैं और टू वे कॉलिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन से मैं इसको कॉल लगा रहा हूँ, देखते हैं। ये मैंने कर दिया कॉल, तो अभी जो है वो चालू हो चुका है मेरा। और कहीं से भी मैं अगर बोलूँ हेलो, यहाँ पे आवाज आ रही है हेलो, तो इस तरह से आप डायरेक्ट कॉलिंग का भी यूज कर सकते हैं और
टू वे कॉल बैक टॉक बैक फ्यूचर, यहाँ से आप बोलेंगे तो सामने वाला बंदा जो कॉल कर रहा है उसको भी सुनाई देगा, और मोशन डिटेक्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं काट देता हूँ, और आप कहीं से भी कॉलिंग लगा सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसमें एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। प्लेबैक फीचर अगर आपको यहाँ से देखना है तो आप पूरा प्लेबैक फीचर भी देख सकते हैं, पूरा मैंने ऑलरेडी जो यूज़ किया था रिकॉर्डिंग किया उसका प्लेबैक फीचर्स है। और आप इसमें दूसरा मोशन डिटेक्शन ऐड कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग आप ऑन कर सकते हैं। मॉनिटरिंग अगर मैंने ऑलरेडी इसमें ऑन किया हुआ है तो मॉनिटरिंग भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको अलार्म सेट करना हो तो भी आप यहाँ सेटिंग में जाके होम मॉनिटरिंग मैनेज स्टोरेज जनरल सेटिंग सब दिए हैं, मोशन डिटेक्शन कर दिए है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी आप पा सकते हैं। सिक्योरिटी सेटिंग में आप पासवर्ड ऑन करना चाहें तो आप पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, तो पासवर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड डिवाइस को रिमूव करना हो तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा कैमरा है, पूरा वो 60 डिग्री में आप देख सकते हैं इसका रिजोल्यूशन पूरा, आप जूम करके भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी मूव करके भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक कैमरा है, सुपर कैमरा है, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी इसको घुमा सकते हैं, पूरा 360 डिग्री में घूमेगा ये। और अब ये लाइट जो हो रही है वो लाइट भी आप ऑफ कर सकते हैं, आप कैमरा सेटिंग में जाके यहाँ से आप कैमरा सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से स्टेटस लाइट अगर आपको बंद करनी है तो अभी देखिए लाइट बंद हो गई है, अभी मैं ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगी, तो आप लाइट भी इसकी जो है वो बंद कर सकते हैं। और डेटा यूजेज वार्निंग अगर आपको ऑन रखना है तो रख सकते हैं, स्क्रिप्ट सेटिंग मोड, इमेज सेटिंग मोड, नाइट विजन में आपको कैसा दिखेगा, अभी मैं अंधेरा कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा, मैं लाइट जो है वो बंद कर देता हूँ, अभी ये डे में इस तरह का इसका आउटपुट है, अभी आप नाइट में देखते हैं, तो ये नाइट विजन देखिए, ये नाइट में आपको इतनी क्लियरिटी देगा। मैंने अभी सभी लाइट ऑफ कर दी है और ये डे का है, ये लाइट का है। तो इस तरह से आप डे नाइट में भी परफेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है एमआई का, आपको भी फिक्र हो के आप कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, और कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, आपका जो भी टेंशन है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप ऑफिस में कैमरा लगा देते हैं, या तो फिर आप कहीं पे भी अगर आपको बाहर आना जाना है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पावर बैंक लगा के भी आप इसको चालू बंद कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि भाई पावर पर डिपेंड है, अगर पावर बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो पावर बंद हो जाता है तो इसमें आपको इसने ऑप्शन दिया है कि आप पावर बैंक का यूज़ करके आप मॉनिटरिंग कैमरे को जो चालू कर, कोई भी बंदा आता है अगर वो पावर ऑफ कर देता है तो भी कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छे तरह से आप इस कैमरे को ऑपरेट कर सकते हो, और वो इजी टू इंस्टॉलेशन है, इजी टू यूज़ है, और अच्छे एक प्रोडक्ट है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आप कैमरा सीसीटीवी कैमरा का डलवाने का सोच रहे हैं तो सीसीटीवी मत डलवाइए, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है एमआई की, जिसमें आप पूरा 360 डिग्री आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसका रिजोल्यूशन जो है बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा हो रोबोट का ऐसा कैमरा मस्त दिखता है। तो अगर आप कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो नीचे वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस कैमरे का लिंक दिया है, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, उस लिंक से ही परचेस कीजिएगा, और हो सके तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दूसरे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट पे वीडियो बना के आपके लिए रख सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।